जय हिंद। तो जैसे कि हमारी इंडस्ट्रियल रिलेशन की एक सीरीज़ चल रही है, तो इस वीडियो में मैं आपको मार्क्सिस्ट अप्रोच के बारे में बताऊंगा, जो कि काफ़ी एग्रेसिव अप्रोच थी। उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि इससे रिलेटेड जो भी नोट्स होंगे आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे जब ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मैं माइंड मैप फॉर्म में बताऊंगा जिससे समझना बहुत आसान होता है। तो उसे जा करके आप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि इसे आप दिवाली वाल में भी चिपका सकते हो, बहुत शॉर्टकट में रिविज़न हो जाएगा। तो चलो जल्दी से मार्क्सिस्ट अप्रोच को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट भी कर देना। तो सबसे पहले कार्ल मार्क्स को आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो पता नहीं। कार्ल मार्क्स ये है बुढ़ऊ, ये सब ढोकरे डाकरे लोग ना क्या है, हमारे लिए बहुत काम छोड़ करके चले गए, ठीक है। तो एक कार्ल मार्क्स है, ठीक है। ये आदमी कैपिटलिज्म का बहुत बड़ा दुश्मन है। कार्ल मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स वो मार्क्सिस्ट अप्रोच लाया। अभी मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, बट ये कैपिटलिज्म का बहुत बड़ा दुश्मन है। और जो कैपिटलिज्म होता है, कैपिटलिज्म वो क्या होता है, एक मिनट थोड़ा सा फोकस को एडजस्ट कर रहा हूँ। हाँ, तो जो कैपिटलिज्म है वो बेसिकली ये है कि जो प्राइवेट कंपनी है उसके पास ज़्यादा पावर रहती है, गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर कर ही नहीं सकती। और प्राइवेट कंपनी का ये मोटो रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाओ, और गवर्नमेंट उसमें कोई रेगुलेशन नहीं लगाती है ना, कोई ज़्यादा टैक्स वैक्स का झंझट नहीं रहता, और ज़्यादा उनके मैटर में कूदती नहीं गवर्नमेंट। तो ये होता है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में एक चीज़ और होती है कि जो अमीर है वो और अमीर होता जाता है, और जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब होते जाता है। तो ये जो आदमी है ये कैपिटलिज्म का बहुत बड़ा दुश्मन है। ये बोलता है कि कम्युनिज्म पे बिलीव करता है, कम्युनिज्म, ठीक है। मतलब जैसे कॉमन बोलते हैं ना, कॉमन मतलब सबको कॉमन बना देना, ठीक है। कम्युनिज्म में और सोशलिज्म में ये चीज़ होता है कि जो गवर्नमेंट है थोड़ा सा पावर अपने पास रख लेती है, थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा पावर रख लेती है, और जो प्राइवेट कंपनी उसके ऊपर भी नज़र रखती है, ठीक है, कि ज़्यादा उछल कूद तो नहीं मचा रहे। और जिसके पास ज़्यादा है उससे वेल्थ को लेते हैं, और जिसके पास कम है उसको वेल्थ देते हैं। बेसिकली सोशलिज्म और कम्युनिज्म, ये जो दो वर्ड है इसमें ये फोकस किया जाता है कि सोसाइटी का वेलफेयर हो, मतलब अमीर गरीब का डिफरेंस मत हो, उसे रिड्यूस किया जाता है। जबकि कैपिटलिज्म में ये होता है कि अमीर बहुत ज़्यादा अमीर होता जाता है, प्राइवेट कंपनी को बहुत ज़्यादा होल्ड मिल जाता है, गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं कर पाती, और अमीर होता जाता है, गरीब और गरीब होता जाता है। तो ये जो कार्ल मार्क्स है कैपिटलिज्म का बहुत बड़ा दुश्मन है। इसके साथ में मैं आपको जैसा हर वीडियो के स्टार्टिंग में एक ओवरव्यू देता हूँ, ताकि बाद में समझने में हम लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। ये क्या है, भड़काने का कोशिश करेगा, लेबर को भड़काने का कोशिश करेगा। लेबर को बोलेगा कि जो तेरा मैनेजमेंट है उससे बैठ करके तू बातचीत मत कर, तू उसका सर फोड़ दे जा करके, ठीक है। तो इस टाइप की इसकी अप्रोच है, मतलब पूरा भड़काने वाला काम करता है, ठीक है, बैठ करके बातें करने वाला काम ही नहीं करता। तो जब मैं इतना बोल दिया तो क्या इसमें कलेक्टिव बार्गेनिंग अलाउड होगा क्या? क्योंकि कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब होता है मोल भाव करना, कि थोड़ा सा आप कुछ बोलो फिर मैं उस पर कुछ चेंज करता हूँ, फिर ऐसे आपस में डिस्कस करके मोल भाव करके एक सिंगल डिसीजन पे आ जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये आदमी बैठ के बात करने देगा? नहीं। कलेक्टिव बार्गेनिंग इसमें थोड़ी सी टेम्परेरी टाइप की होती है, या तो नहीं होती है, मतलब होगी तो टेम्परेरी होगी, बाकी जनरली इसमें कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये बैठ करके बात करने वाला आदमी च नहीं है। अब चलते हैं आगे, तो इसके बाद हमें सिस्टम पूरा समझ में आ जाएगा। तो जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है इसे रेडिकल पर्सपेक्टिव अप्रोच भी कहते हैं, क्योंकि रेडिकल वर्ड भी थोड़ा वायलेंस वाला है, ठीक है। और इसे कार्ल मार्क्स ने दिया था, जैसे कि मैं आपको बताया, कार्ल मार्क्स मार्क्सिस्ट अप्रोच जिसे रेडिकल पर्सपेक्टिव अप्रोच कहते हैं वो भी दिया है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बोलता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है अनअवॉइडेबल है, वो हो के ही रहेगा, उस पर कोई कुछ कर नहीं सकता। अब जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कैसे हो करके रहेगा, इसके पहले हम लोग प्लूरलिस्टिक अप्रोच पढ़े थे, वो भी सेम चीज़ बोलता था कि जो कॉन्फ्लिक्ट है ना उसे हम लोग अवॉइड कर ही नहीं सकते, वो तो हो के ही रहेगा, ठीक है। बट उसकी विचारधारा और इसकी विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर है। कॉन्फ्लिक्ट के बारे में उन दोनों को सेम चीज़ बोले कि कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा, उसे अवॉइड नहीं कर सकते। बट जो प्लूरलिस्टिक अप्रोच थी वो थोड़ा प्यार से बात करते थे, सोशल इन्वायरमेंट क्रिएट करते थे, आपस में
बैठ करके कलेक्टिव बार्गेनिंग कर लिए, ट्रेड यूनियन को भी बुला लिए और किसी चाचा भतीजे के रिश्तेदार को भी बुला लिए, मतलब उन लोग बैठ करके बातें करते थे। बट ये उसका ऑपोजिट होने वाला है। जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है इसके अकॉर्डिंग, कि जो मार्क्सिस्ट अप्रोच कैपिटलिज्म के खिलाफ है, कैपिटलिज्म इसे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बोलता है कि अल्टीमेट कंट्रोल जो है कैपिटलिज्म ही चला रहा है। कैपिटलिज्म में ज़्यादा कंट्रोल का क्या मतलब है कि जो इंडस्ट्री है, ठीक है, जो प्राइवेट इंडस्ट्री है ना, उसके पास ज़्यादा होल्ड है, मैनेजमेंट के पास कोई होल्ड ही नहीं है। ये बोलने का मतलब है कैपिटलिज्म के पास अल्टीमेट पावर है। बोलने का मतलब मैनेजमेंट के पास ज़्यादा होल्ड है, प्राइवेट कंपनी के पास ज़्यादा होल्ड है, गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती, अल्टीमेट कंट्रोल इनका ही है और जो गवर्नमेंट है वो इनकी कठपुतली है। ऐसा मार्क्सिस्ट अप्रोच बोलता है कि जो गवर्नमेंट है वो मिली हुई है मैनेजमेंट के साथ मिली हुई है, तो अगर कल को हम लोग कलेक्टिव बार्गेनिंग करते भी हैं, अगर मोल भाव वाली बात करते भी हैं आपस में बैठ करके बात करने वाली, तो गवर्नमेंट अल्टीमेटली डिसीजन मैनेजमेंट के हक में ही लेगी क्योंकि गवर्नमेंट जो है कठपुतली हो चुकी है उसकी। तो ऐसा मार्क्सिस्ट अप्रोच कहता है। इसके साथ में यहाँ पे मैं एक इमेज लगाया हूँ जिससे आप कैपिटलिज्म को थोड़ा अच्छे से समझ सको, कि एक आदमी है जो बहुत ही ज़्यादा अमीर होते जा रहा है, प्राइवेट बिजनेसमैन, जिस पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है कि आप इतना ही प्रोडक्शन कर सकते हो या इतना ही सेल कर सकते हो या टैक्स वैक्स कुछ नहीं लगा है, तो आदमी अमीर होते जा रहा है। और इधर जो लोअर क्लास है वो उन लोग गरीब होते जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा तो कैपिटलिज्म में बेसिकली जो क्लास डिफरेंस है, मैं अमीर तू गरीब, ये डिफरेंस कैपिटलिज्म में बढ़ जाता है, ठीक है, बड़ा गैप आ जाता है। तो जो मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या बोलता है कि ये जो गैप आया ना भैया अमीर और गरीब का, ये गैप को ही हटा दो। ये गैप किस वजह से आ रहा है? कैपिटलिज्म की वजह से आ रहा है। अब इस गैप को कैसे हटाओगे? जो गरीब है वो अपने मालिक को जा कर के पीट दे, पकड़ के कूच दे उसको। तो इससे मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। कॉन्फ्लिक्ट करना सिखाता है ये वाला अप्रोच, कि जो लोअर क्लास है वो जा कर के अपने से बड़े वाले क्लास की जा कर के अच्छे से बजाएगा ना, तो जा कर के मामला थोड़ा बराबर आएगा और अमीर और गरीब का जो डिफरेंस है ना वो कम हो जाएगा। मतलब अब अमीर ये नहीं बोल पाएगा कि मैं अमीर हूँ तू गरीब है। इन लोग क्या साला, जो बोलेगा मैं अमीर हूँ उसको ही रास्ते से हटा देंगे, ठीक है। जैसा कि मैं बताया कि सोसाइटी जो है वहाँ पे अमीर और गरीब वाला एक चीज़ चलता है और ये सोसाइटी में चलता ही है। मैं अमीर हूँ, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये है वो है, तो ये क्लास गैप क्रिएट करता है। अब जैसे आप ही सोचो, आपको कोई आकर के बोलेगा मेरे पास ये है, मेरे पास एक कार है, तेरे पास नहीं है करके, तो आपके मन में थोड़ा सा गुस्सा तो आएगा ना, भाई मेरे को चिढ़ा रहा है, ज़बरदस्ती कुछ आ रहा है मेरे को करके, तो आप क्या करोगे? आपके मन में रिवोल्ट की भावना पैदा होगी, साला मेरे को आकर के चिढ़ाता है, मेरे पास नहीं है तो, है ना। तो अमीर और गरीब के गैप की वजह से ही रिवोल्ट और कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब यहाँ पे ये जरूरी हो जाता है इसके अकॉर्डिंग, भाई मैं नहीं भड़का रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग कि जो वर्कर है जा कर के मैनेजमेंट को कूच दे अच्छे से पकड़ के, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट जरूरी है, कॉन्फ्लिक्ट जरूरी है। देखो कॉन्फ्लिक्ट अनअवॉइडेबल तो है ही है, पर साथ में जरूरी भी है। अगर नहीं करेंगे तो डिफरेंस बढ़ता जाएगा, अमीर और अमीर होता जाएगा, गरीब और गरीब होता जाएगा, और जो अमीर है पूरा एक्सप्लॉइट करके रख देगा गरीब को। तो कॉन्फ्लिक्ट जरूरी, जा करके पेल दो पकड़ के, इसका टपली बजा दो, ऐसा टाइप से। इसके साथ में जो क्लास स्ट्रगल है, क्लास स्ट्रगल भी वही चीज़ है, क्लास गैप को ही क्लास स्ट्रगल भी हम बोल रहे हैं क्योंकि एक तरीके से स्ट्रगलिंग चल रही है दोनों के बीच में। तो जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट उसका मेन एम क्या होता है कि वो अल्टीमेटली प्रॉफिट ही कमाऊँ सोचता है। वो वर्कर के गुडविल के बारे में नहीं सोचेगा कि उसका सब कुछ सिस्टम अच्छे से चल रहा है कि नहीं, उसको अपने प्रॉफिट से मतलब है। जब हमें सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से मतलब होता है, ठीक है, और किसी चीज़ से नहीं, तो वो कैपिटलिज्म की तरफ इशारा करता है, ठीक है। मतलब कि आपका ध्यान सिर्फ प्रॉफिट पे या वेलफेयर पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तो कैपिटलिज्म को प्रमोट करता है ऐसा, ठीक है। तो मार्क्सिस्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग जो मैनेजमेंट है वो सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोच रहा है और कैपिटलिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। इसके लिए हो सकता है कि वो वर्कर को एकदम
लेस पे करे या पे करे ही ना, क्योंकि यार जो मैनेजमेंट है कई बार ऐसा हो जाता है कि फ्री में कितना मैं इससे काम निकलवा लूँ, कितना इसको निचोड़ लूँ, कई बार मैनेजमेंट का ऐसा सीन रहता है। ठीक है, जैसे मैं भी जॉब किया हूँ तो मेरे को भी पता है कि मैनेजमेंट जो है कितना ज़्यादा फ्री में कितना ज़्यादा अपना पैसा बचा करके काम निकलवा ले। तो ये सब कैपिटलिज्म की तरफ ही सारा है। ठीक है, तो जो वर्कर है ये सोचता है कि मैं इम्पॉर्टेंट पार्ट हूँ। देखो जब मैं जॉब करता था तो मेरे को भी लगता था अपन इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बट ये सब गलत फहमी रहती है। बट मार्क्सिस्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग जो कार्ल मार्क्स है वो वर्कर्स को भड़काता भी है कि भाई तू इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तू समझता क्यों नहीं है, तू रिवोल्ट करके अपने मालिक को अपने बराबर में ला करके खड़ा कर दे, क्लास गैप ही मत खड़ा कर, ये बोलता है ये चीज़। ठीक है, तो वर्कर को मतलब इसमें मोटिवेट किया जाता है, भाई तू इम्पोर्टेंट पार्ट है, तू समझ नहीं रहे करके। ठीक है, वर्कर को लॉस होगा तो उसे कॉन्फ्लिक्ट करके उसे रिकवर भी करना होगा, ये बात है। ये एक तरीके की एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच है, अभी तक तो समझ में आ गया होगा, काफ़ी एग्रेसिव टाइप की अप्रोच है, तो इसमें क्या एक्सप्लेन करना। अब जो प्लूरल और मार्क्सिस्ट हम लोग पढ़े उसके बीच का एक डिफरेंस देख लेते हैं। देखो दोनों के दोनों अप्रोच एक सेम चीज़ बोलते थे, प्लूरल और मार्क्सिस्ट दोनों के दोनों एक सेम चीज़ बोलते थे कि कॉन्फ्लिक्ट अनअवॉइडेबल है, कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा चाचा, कुछ भी कर लो, लड़ाई झगड़े तो होने ही हैं। ठीक है, प्लूरल एक तरफ क्या बोलता था कि कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है ये ज़रूरी नहीं है, उसके सॉल्यूशन पे फोकस करो, है ना, प्लूरल ऐसा बोलता था। इसके साथ में प्लूरल जो है एक सोशल इन्वायरमेंट क्रिएट करने की बात करता था कि ये हम एक सोशल इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेते हैं, आपस में बैठ करके बातें करते हैं, ट्रेड यूनियन को भी बुला लेते हैं, गवर्नमेंट उधर बैठा तू भी आ जा, ट्रिब्यूनल उधर बैठा तू भी आ जा, लेबर कोर्ट तू भी आ जा, आपस में बैठ करके बातें करते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं, आपस में मोल भाव करते हैं, एक सोशल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, फाइनली एक रिलेशन क्रिएट करते हैं। तो ये बोलता था प्लूरल, बट ये मार्क्सिस्ट गुस्साया हुआ बैला आदमी, तो ये क्या है, आराम से बैठ करके तो बात नहीं करेगा। ठीक है, ये बोलता है कि रिवॉल्ट तो मैं करूँगा, रिवॉल्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी, लफड़ा बहुत ज़्यादा ज़रूरी भाई साहब, क्योंकि जो क्लास गैप है उसे हमें कम करना है, तो लफड़ा तो ज़रूरी है, और साथ में कैपिटलिज्म को हमें ख़त्म करना है, कैपिटलिज्म को हमें ख़त्म करना है। मार्क्सिस्ट अप्रोच बोलता है ये ससुरी जो सोसाइटी है ना वो एक कैपिटलिज्म पे काम करता है। ठीक है, जो मतलब प्राइवेट कंपनी और मैनेजमेंट ही मिल करके पूरी सोसाइटी को चला रहे हैं, गवर्नमेंट उसमें कुछ कर नहीं सकती, अपना कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर नहीं सकती, गवर्नमेंट बेसिकली कैपिटलिज्म यानी कि मैनेजमेंट से मिली हुई है ना, तो मैनेजमेंट गवर्नमेंट हमेशा हमारे बारे में तो कुछ सोचेगा ही नहीं। ठीक है, गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा मत करो, क्योंकि ये जो बिजनेसमैन हैं यही सोसाइटी को रन कर रहे हैं, और यही बिजनेसमैन सोसाइटी को रन कर रहे हैं, गवर्नमेंट बेसिकली इनका ही सुनेगी, हमारा नहीं सुनेगी, तो उनके ऊपर भरोसा मत करो। उसके साथ में जो ये अप्रोच है वो बोलता है कि इस टाइप का जो जितना मैं आपको सिनेरियो बताया कि क्लास गैप होता है, क्लास स्ट्रगल होता है, तो कार्ल मार्क्स बोलता है कि ये चीज़ पहले तो सोसाइटी में होता था ये चीज़, बट बाद में वो चीज़ इंडस्ट्री में भी देखा गया। ठीक है, मतलब सोसाइटी मतलब जो हम लोग आसपास जो हमारी सराउंडिंग है वहाँ पे क्लास गैप चलता है, जैसे कि आप लोग देखोगे अपने ही सोसाइटी में देखोगे अमीर गरीब का भेदभाव चलता है, तो ये पहले सोसाइटी में था, बट बाद में ऐसा देखा गया कि इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पे फाइनली काम हो रहा है वहाँ पे भी ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, उसके मेन रीज़न क्या है, मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में क्लास गैप बहुत बड़ा हो चुका है। ठीक है, जब तक हम उस गैप को फिल नहीं करेंगे तब तक करके कॉन्फ्लिक्ट होते रहेंगे, और उस गैप को फिल कैसे करेंगे, उस गैप को फिल कैसे करेंगे, मैनेजमेंट को पेल के अच्छे से। ठीक है, मतलब रिवॉल्ट ज़रूरी है इसमें। ठीक है, बैठ करके बात करने बोलोगे इन लोग इंटरेस्टेड नहीं है भाई साहब, नहीं करेंगे बैठ करके इन लोग बात। ठीक है, डिवीज़न इन सोसाइटी, फिर वही चीज़ है, अमीर गरीब का भेदभाव है। ठीक है, और जितने अपन क्लास देखते हैं कि ये अपर क्लास का है, ये मिडिल क्लास का है, ये लोअर क्लास का है, उसी से लड़ाई झगड़े होते हैं। तो कार्ल मार्क्स बेसिकली जो सबसे लोअर क्लास के लोग हैं ना उन लोग के सपोर्ट में है कि तू भाई लड़ जा करके। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट पॉलिटिकल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है।
इसके साथ में जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है वो प्लूरलिस्टिक अप्रोच को क्रिटिसाइज भी करती है कि जैसे कि देखो प्लूरलिस्टिक अप्रोच और मार्क्सिस्ट अप्रोच एक पॉइंट पे सेम थे, वो ये कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अनअवॉइडेबल है, वो होके ही रहेगा, उसे अपन रोक नहीं सकते, ठीक है। बट यहाँ पे आ करके जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है वो प्लूरलिस्टिक अप्रोच को क्रिटिसाइज कर देता है। वो बोलता है प्लूरलिस्टिक अप्रोच है ना साला फेक है, बहुत ज़्यादा दिखावा करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिखावा करता है। क्यों? क्योंकि जो प्लूरलिस्टिक अप्रोच थी वो कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन कैसे करती थी, सोच करके देखो। वो क्या करती थी, एक सोशल इन्वायरमेंट क्रिएट करती थी, ठीक है। प्लूरलिस्टिक अप्रोच मैनेजमेंट वर्कर को बुला दिया, एक काम कर तू आ करके मेरे बाजू में बैठ या इधर बैठ ऐसा, ठीक है, इधर बैठ ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद अगर ज़रूरत लगे तो ट्रेड यूनियन को बुला लिए, गवर्नमेंट को बुला लिए और किसी को बुला लिए, तो बेसिकली अच्छे से बैठ बैठा के बात किया करते थे, ठीक है। मार्क्सिस्ट प्लूरलिस्टिक को फेक इसलिए बोला क्योंकि जो गवर्नमेंट या जिसको भी आप बुला रहे हो, ठीक है, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, जजमेंट देने के लिए, वो खुद ही मैनेजमेंट के साथ मिली हुई है, वही फेक है। मतलब सीधा सीधा ये बात कर दिया कि जो गवर्नमेंट है वो मैनेजमेंट के साथ मिली हुई है, तो अल्टीमेटली वो मैनेजमेंट के फेवर में ही अपना डिसीजन सुनाएगी, तो इसलिए जो प्लूरलिस्टिक अप्रोच है उसे मार्क्सिस्ट अप्रोच हेट करता है और फेक बोलता है। इसके साथ में मार्क्सिस्ट अप्रोच ये भी बोलता है कि जो प्लूरलिस्टिक अप्रोच है वो किसको सपोर्ट करता है, कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता है। और कैपिटलिज्म में आपको बार बार बता चुका हूँ भाई साहब कि कैपिटलिज्म क्या होता है, एक प्राइवेट कंपनी होती है जिसके पास अल्टीमेट होल्ड होता है, गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर कर ही नहीं सकती, इन लोग को सिर्फ मतलब होता है अपने प्रॉफिट से, वेलफेयर के इन लोग सोचते नहीं हैं और बेधड़ाले से करते हैं क्योंकि इनके ऊपर ना टैक्स वैक्स का कुछ कोई झंझट नहीं, सिर्फ प्रॉफिट कमाओ ऐसा। और इन लोग कंट्री भी कैपिटलिस्ट ही रूल कर रहे होते, मतलब गवर्नमेंट का उतना बड़ा वो नहीं रहता, इंटरफेरिच नहीं कर सकती इसमें। तो जो प्लूरलिस्टिक अप्रोच है वो कैपिटलिज्म को बढ़ावा देती है, ऐसा मार्क्सिस्ट अप्रोच बोलता है। इसके साथ में एक की पॉइंट देख लेते हैं जिससे हमारा एकदम क्विक ओवरव्यू हमें पता चलेगा। जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है ना वो प्राइमरी है और जो वेज इशू है वो सेकेंडरी है। बोलने का मतलब, किसी भी वर्कर को प्रॉब्लम कब होता है जनरली, कि उसकी वेज उसको टाइम पे नहीं मिल रही, उसको उसकी सैलरी ढंग से नहीं मिल रही, यही प्रॉब्लम होती है। बट मार्क्सिस्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग सैलरी और वेज का इशू तो बाद में आएगा, पहले तो जो तुम बेटा डिफरेंस क्रिएट करके रखे हो ना, मैं अमीर तू गरीब का, वो पहले आएगा। इसलिए जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, क्लास के बीच का जो डिफरेंस है, अमीर गरीब वाला डिफरेंस, उसको लड़ाई झगड़ा होने का पहला कारण बोला है, बाद में सैलरी का मैटर आता है, इसलिए उसे सेकेंडरी बाद में बोला है। इसके साथ में जो इसमें वर्कर का कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं होता, मतलब बोलने का मतलब जो इसके पहले जितने अपन अप्रोच पढ़े थे, ये उसे क्रिटिसाइज करते हुए बोलता है कि इसमें वर्कर का तो कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जनरली क्या होता है, जहाँ पे कैपिटलिज्म चलता है, जहाँ पे मैनेजमेंट अपने वर्कर के साथ बदमाशी करता है, वहाँ पे मैनेजमेंट नहीं चाहता कि जो वर्कर है वो ज़्यादा काम सीखे। अगर वो ज़्यादा काम सीख जाएगा, ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, तो कल को हो सकता है वो अपना खुद का एक कंपनी खोल ले, ठीक है, और इतना टैलेंट आ जाएगा तो हो सकता है वो अपने मैनेजमेंट से भी आगे निकल ले। तो इसलिए जो यहाँ की जो कंपनीज होती है वो नहीं चाहती कि वर्कर का कोई इम्प्रूवमेंट हो। इसके साथ में जो स्ट्राइक है वो सारे के सारे पॉलिटिकल होते हैं, ठीक है। स्ट्राइक पॉलिटिकल क्यों है, क्योंकि स्ट्राइक जो भी है करता कौन है, वर्कर लोग स्ट्राइक करेंगे, ठीक है, फिर हो सकता है गवर्नमेंट आकर के समझाए या ट्रेड यूनियन आकर के समझाए, तो उन लोग तैयार ओवरऑल मैनेजमेंट से मिले हुए हैं, तो एक पॉलिटिक्स यहाँ पे दिखता है, ठीक है, मैनेजमेंट के फेवर में है जितना भी स्ट्राइक है ना। इसके साथ में पंगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है ये यहाँ पे टेम्परेरी है, मतलब कलेक्टिव बार्गेनिंग पहली चीज़ तो एक्सेप्टेड ही नहीं है यहाँ पे,
बार्गेनिंग मोल भाव करो ही नहीं, सीधा डंडा जाके मारो। सब जगह ना मारने पीटने की बात ही हो रही है, बैठ करके बात ही नहीं करना है। अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग करेंगे भी तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग वो टेम्परेरी है। टेम्परेरी क्यों है? क्योंकि मोल भाव करोगे, मोल भाव करने के लिए हो सकता है आप मैनेजमेंट को बुलाओगे, ठीक है। तो जो मैनेजमेंट तो खुद है ही है, हो सकता है आप गवर्नमेंट को बुलाओ या किसी और को बुला लो, तो वो ऑलरेडी वो मैनेजमेंट से मिला हुआ है। इसके साथ में कोऑपरेटिव वर्क कल्चर को भी ये टोटली डिसमिस करता है। कोई अच्छा रिलेशन नहीं रखना, ठीक है, मैनेजमेंट और वर्कर, अपने अपने काम से मतलब रखो, ठीक है। कोई रिलेशन यहाँ पे मेंटेन वेंटेन नहीं करना है, ठीक है। जो इंडस्ट्री है वहाँ पे जो काम है उसी कारण उन लोग एक दूसरे के साथ हैं, नहीं तो ऐसी कोई ज़रूरत भी नहीं है कि हम रिलेशन मेंटेन करें। जो आपस में जो बातचीत कर रहे हैं ना वो काम के कारण कर रहे हैं, नहीं तो नहीं करते। तो कोऑपरेटिव वर्क कल्चर, कोई रिलेशन रिलेशन नहीं। इसके साथ में इंडस्ट्रियल रिलेशन का कोई मतलब नहीं रहा, और ये एक तरीके की पूरी निगेटिव अप्रोच है, पूरा निगेटिव बात करते हैं इन लोग। जो मार्केट का रिलेशन है वो पार्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल है, ठीक है। और क्लास स्ट्रगल मतलब रिवोल्ट, वही चीज़ है, रिपीट रिपीट आ रही है, ठीक है। अब मैं एक आपको छोटा सा समरी दे देता हूँ। एक छोटा सा समरी समझ लो, क्लास कॉन्फ्लिक्ट तो हो गई होगा, ठीक है। क्लास का जो डिफरेंस है उसे तो अब हमें ख़त्म करना ही है, तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट तो हो गई होगा। वॉन्ट टू एंड कैपिटलिज्म, शुरू से वही चीज़ चल रही है, जो अमीरी है ना उसको ख़त्म करना है, ठीक है। और कलेक्टिव बार्गेनिंग यहाँ पे टेम्परेरी है, ठीक है। इसके बाद जो आप लोग एक सवाल नहीं पूछे कि जो ट्रेड यूनियन है वो क्या इसमें अलाउड है कि नहीं है। ट्रेड यूनियन इसमें अलाउड है, क्योंकि जो इंसान भड़का रहा है वर्कर को वो एक्चुअली ट्रेड यूनियन ही है। ट्रेड यूनियन क्या है, एक्सट्रीमिस्ट सोच रखता है इसमें। इसके पहले जब ट्रेड यूनियन आया था तो मोल भाव से अच्छे से बात कर रहा था, बट मार्क्सिस्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग की जो ट्रेड यूनियन है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो वर्कर को थोड़ा सा भड़काए मैनेजमेंट के खिलाफ, और जो ट्रेड यूनियन है वर्कर को बोले कि रिवोल्ट कर चचा अपने हक के लिए, ठीक है। तो मतलब इसमें ट्रेड यूनियन का थोड़ा बदमाश वाला कैरेक्टर हमको देखने को मिलता है। इसके बाद एक और स्लाइड दिखाता हूँ। एक लेबर प्रोसेस थ्योरी आती है, लेबर प्रोसेस थ्योरी जो आफ्टर थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद आता है, मतलब इंडस्ट्री जब लगनी चालू हो गई थी तो थर्ड रिवॉल्यूशन के बाद आता है। इसको कौन लाता है, ब्रावर मैन, जैसे अपन WWE में सुने ना, ब्रॉन स्ट्रोमैन। तो ब्रावर मैन नाम का एक बंदा लेबर प्रोसेस थ्योरी को लाता है। ये क्या बताता है कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है उसके बारे में कुछ चीज़ें बताता है कि सिस्टम कैसा हो चुका है अनस्किल्ड लेबर का। जैसे कि इधर आप लोग लेबर को देख सकते हो, इन लोग एकदम ज़्यादा अनस्किल्ड हो गए। क्यों अनस्किल्ड, क्यों? क्योंकि मशीन ने इन्हें रिप्लेस किया है, ठीक है, मशीन ने इन्हें रिप्लेस किया। अब जब हर जगह मशीन लगने जा रही है तो जो ह्यूमन लोग हाथ से ही ऐसे ईंट रख रख करके, मतलब अभी भी टेक्नोलॉजी एकदम ऐसा एडवांस नहीं हुई कि ऐसे लेजर से ऐसे घर बन गया, ऐसा नहीं, बट इनके कान थोड़े से छीन रहे हैं, ठीक है। इन्हें अनस्किल्ड उस वे में बोला जा रहा है कि इन्हें ज़्यादा टेक्निकल चीज़ नहीं पता, इन्हें मशीन वगैरह चलाना नहीं आता, और जो कैपिटलिज्म है वो इस चीज़ को और बढ़ावा देता है कि इन लोग जो है ना टेक्निकल चीज़ ज़्यादा जाने ही मत, इन लोग कभी लाइफ में आगे बढ़े ही नहीं। तो इस टाइप की सोच को मार्क्सिस्ट अप्रोच ख़त्म करनी चाहती है, ठीक है। तो अनस्किल्ड लेबर, ठीक है। इसके साथ में जो मेन नॉलेज है वो मैनेजमेंट अपने पास ही रखता है, वर्कर को देता नहीं है, ठीक है। मैनेजमेंट ही अपने पास पूरा नॉलेज को रखता है, ठीक है। अगर मैनेजमेंट अपना ये बता दिया सिस्टम वर्कर को कि मेरा कंपनी ऐसा सा रन करता है, तो कल को वर्कर भी उठ करके उसके बराबर में खड़े हो जाएगा। ये चीज़ मैनेजमेंट कभी नहीं चाहता। तो मैनेजमेंट को चाहिए कि वो मेन नॉलेज खुद के पास रखे, वर्कर को सिर्फ उतना ही बताए जिससे मैनेजमेंट का काम निकल जाए। ज़्यादा पता चल जाएगा तो वर्कर अपना कुछ एम्पायर खड़ा कर लेगा, और हो सकता है मैनेजमेंट को बाद में जेलेसी हो। तो ये हर मैनेजमेंट के में ये सोच होता है कि वो मेन नॉलेज को अपने ही पास रखते हैं, ठीक है। ज़्यादा बताते नहीं कि सिस्टम कैसा कैसा चलता है, ठीक है। और जो वर्कर हैं उनको खुद के ऊपर डिपेंडेंट बना देते हैं,
उन्हें काम ही इस तरीके का प्रोवाइड किया जाता है कि उन्हें सिर्फ एक ही काम आता है, उन लोग का डेवलपमेंट ओवरऑल नहीं होता। मतलब एग्जांपल के लिए, सिर्फ एग्जांपल के लिए, अगर कोई वीडियो एडिटिंग वाली इंडस्ट्री है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री है, तो किसी बंदे को सिर्फ और सिर्फ फोटो एडिटिंग का आप काम दे रहे हो, सिर्फ और सिर्फ फोटो एडिटिंग का काम दे रहे हो, और उसे 5 साल तक करके सिर्फ और सिर्फ फोटो एडिटिंग का काम करा रहे हो, उसे कोई और काम नहीं दे रहे हो, तो इससे हुआ क्या? इससे हो सकता है उसको वीडियो एडिटिंग नहीं आती हो अभी तक। इससे क्या है, जो वर्कर है ना, एकदम ज़्यादा मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट हो गया है, क्योंकि वर्कर को अब सिर्फ और सिर्फ फोटो एडिटिंग आती है, वीडियो एडिटिंग उसको आती नहीं है, तो खुद का कुछ नया स्टार्टअप ओपन कर ही नहीं सकता, और वो कम्प्लीटली मैनेजमेंट के ऊपर टिक गया है। तो ये मैनेजमेंट इस चीज़ में अपना फ़ायदा देखती है कि वर्कर ऐसे में हमें कभी छोड़ के जाएगा भी नहीं, और पूरा ओवरऑल कंट्रोल हमारे पास रहेगा। तो एक क्रिटिक्स ये भी मिलता है कि जो मैनेजमेंट है ना, वर्कर को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना देती है। इसके साथ में जो मशीन है वो वर्कर को रिप्लेस कर लिया, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, जो हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है उसमें भी आप देख सकते हो कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था उसमें मशीन ने जब वर्कर को रिप्लेस करना चालू किया तो जो वर्कर थे वो लोग सफ़र करने लगे। ये देख लो भाई, मशीन मतलब एकदम हड़का के भगा रहा है कि अरे तू भग जा, तू यहाँ से भग जा करके। तो इससे बेसिकली होगा क्या, जो लोग हाथ से काम करते थे उन लोगों का काम चला जाएगा। अभी जो क्रिटिसिज्म देख लो, इग्नोर वर्कर डेवलपमेंट, वर्कर का इंडिविजुअल डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं हो पाता है, वर्कर कंप्लीटली अनस्किल्ड बन जाता है, वर्कर टेक्निकल ही नहीं रहता, वर्कर के पास ज़ीरो टेक्निकल नॉलेज होती है, वो ऐसा हाथ से काम करने वाला आदमी होता है, अब वो टेक्निकल रहा ही नहीं, और वो वर्कर कम्प्लीटली मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे बताना। तो ये वीडियो यहीं तक था, इससे हमारा मार्क्सिस्ट अप्रोच ख़त्म होता है, और इसका जो नोट्स है ये माइंड मैपोलॉजी से रिविज़न आपको एकदम ऐसा क्विक रिविज़न होगा, और बहुत ज़्यादा क्विक रिविज़न होगा। तो ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा जब मेरे कोर्स का सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा, और आप इसका प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय इंडिया, ओके बाबा, एंड कमेंट सेक्शन पर बताना वीडियो कैसा लगा।